हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम वेस्ट वाटर एंड एरिएशन यूनिट ड्राइंग के नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं, जो हमारा डबल टी जंक्शन ऑफ स्टोनवेयर पाइप। आज का हमारा जो ड्राइंग है उसका टॉपिक है डबल टी जंक्शन ऑफ स्टोनवेयर पाइप। इसी स्टोनवेयर पाइप को हम अर्थन वेयर पाइप भी बोलते हैं। आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्टोन वेयर पाइप या अर्थन वेयर पाइप, दोनों एक ही होता है। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा एग्जाम में, आपको कोई डायमेंशन वगैरह अगर नहीं दिया है, कोई डाटा नहीं दिया है, तो डाटा में ज्यूम कर लेते हैं। वैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाता है, ड्राई क्रॉस जंक्शन ऑफ स्टोन वेयर पाइप आर अर्थन वेयर पाइप। तो क्रॉस जंक्शन ड्रा करने के लिए दे देगा, अगर कोई डायमेंशन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेते हैं। आपको यहाँ पर एक लिमिट बता दी जाएगी, जो भी स्टैंडर्ड इनके डाटा होते हैं। जो डैम पाइप का लेते हैं उसका जो डाटा है 100 mm से 600 mm तक हम ले सकते हैं, मिनिमम 100 और मैक्सिमम 600। तो ये आप याद रखेंगे, 100 mm से 600 mm तक हम डैम ले सकते हैं पाइप का। तो इनके बीच आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने 300 mm ले लिया है। थिकनेस आप जो पाइप होती है वो 13 mm से 40 mm होती है। अब जहाँ भी पाइप बना रहे हैं वहाँ हमेशा के लिए ये है, जब भी आप स्टोन वेयर पाइप बनाते हैं तो 13 mm से 40 mm तक थिकनेस होती है। तो इनके बीच में कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम 30 mm ले लिए हैं। तो दो चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर, केवल डे पाइप की और थिकनेस ऑफ पाइप की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही आपको सॉइल मैकेनिक्स, रिले ब्रिज एंड टनल और सर्विंग सेकंड की भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। ड्राइंग की भी अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप पीछे की सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है आपको डबल टी जंक्शन। इसको हम क्रॉस जंक्शन भी बोलते हैं, डबल टी जंक्शन को। जैसे इसके पहले हमने देखा डबल वाई जंक्शन, तो इसको हम डबल टी जंक्शन बोलते हैं या फिर क्रॉस जंक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, 300 mm जो डया है पाइप का और 30 mm जो थिकनेस है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। क्योंकि जो डया हमारा होता है पाइप का, डया जब भी बनाएंगे और थिकनेस भी उसमें ऐड हम करते हैं, तो सबसे पहले हम डया और थिकनेस को ऐड करके पूरा बना लेते हैं, और थिकनेस ही उनके अंदर हम उसके अंदर अब हम थिकनेस बना लेते हैं। तो 300 और 30 30 दोनों साइड में हम ऐड करते हैं, तो 60 mm यहाँ से हो जाएगा आपका। तो 360 टोटल हो गया आपका, 36 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। और 36 सेंटीमीटर का स्केल हम यहाँ पर ले रहे हैं 1:5 का, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 35 पाँच बार में, 7 बार में पूरा पूरा कटेगा, तो 36 आपका है, 1 बज जाएगा, तो 5.7.2 आपका आ जाएगा। यहाँ से सेंटीमीटर पे स्केल पर हमको जो बनाना है, यानी कि जो 300 mm हमारा डया है और 30 mm जो थिकनेस है, तो दोनों साइड में हम थिकनेस ऐड करना है हमको। तो दोनों साइड का ऐड करेंगे तो 60 mm हो जाएगा, और 300 में ऐड कर दिए तो 360 mm ये हो गया। अब हम इसको स्केल पर चेंज करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करके, तो 360 को जब हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 36 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, और 36 सेंटीमीटर को स्केल पर डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 7.2। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम इमेजनरी लाइन यानी कि डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे बेस के लिए, और उसी के आधार पर हम अपना ये पाइप जो भी है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले एक हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्रॉस में, इसको हम बाद में इरेज कर देते हैं। ये आपका सेंटर के लिए, बेस के लिए यहाँ पर ले लेते हैं हम, ठीक है। एक हम बेस के लिए एक बेस लाइन ले लिए क्रॉस करके, तो इसी के आधार पर हम अपना जो भी पाइप है उसका डया वगैरह बनाएंगे। तो हमारा टोटल ये आ रहा है 7.2, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, इस लाइन पर जितनी भी पाइप है इसमें बनेंगी, सबकी जो थिकनेस है और डया है सेम ही है, तो सबको हम उसी पे बनाएंगे। तो 7.2 है, तो 7.2 का सबसे पहले हम हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 3.6, 3.6 आपका एक तरफ बनाएंगे इस लाइन के इस साइड में, और इस साइड में पॉइंट कर लेंगे हम। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3.6, इधर हम कर लिए पॉइंट, और 7.2 पर हम यहाँ कर लेंगे, क्योंकि हाफ हाफ हम कर रहे हैं इस पॉइंट से इधर। तो टोटल आपका 7.2 ये आ गया। ऐसे ही हम इस लाइन पर भी उतना ही मेजर कर लेंगे, अपना पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि सभी पाइप का जो डया है और थिकनेस है सेम ही है। यहाँ पर भी हम 3.6 पर पॉइंट कर लेंगे इधर, और 7.2 पर हम पॉइंट कर लेंगे इधर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, जो भी जिस लाइन की जरूरत नहीं होगी बाद में हम उसको इरेज कर देंगे। अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
जितनी जरूरत होगी उतना हम बनाएंगे और बाद में उसको हम इरेज कर देंगे। तो ये हमारी जो थिकनेस और डेया मिलके आ गया आपका एक पाइप का, जो इधर से आपकी आ रही है क्रॉस कर रही है, और इधर जब हम बनाएंगे तो ये वाली आपकी आ जाएंगी, तो डबल टी जंक्शन हो जाता है, या फिर हम इसको क्रॉस जंक्शन भी बोलते हैं। इसी पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी लाइन इनके पैरेलल, जो पहले हम लाइन बनाए थे सेंटर में उसके पैरेलल। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, क्योंकि पाइप का जो डया है और थिकनेस है सभी पाइप की सेम है। चार पाइप आपकी यहाँ से, तीन पाइप आपकी इधर से आ रही है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये मेन मेन पाइप आपकी होती है। अगर इन तीन तीनों तरफ से पाइप से जो भी आपका फ्लो हो रहा है, जो भी पानी अंदर आ रहा है, तो उसको इधर से फ्लो कर देते हैं, ठीक है, मेन पाइप से। तो ये आपका सभी सेम है तीनों पाइप का। तो यहाँ पर हम क्या किए, सबसे पहले हम एक इमेजनरी लाइन बना लेंगे बेस लाइन के लिए, और उसी से हम क्या करेंगे, डे और थिकनेस ऐड करके इस लाइन पर पॉइंट कर लेंगे दोनों साइड, और इस लाइन पर भी हम पॉइंट कर लेंगे। तो जहाँ पर पॉइंट किए वहीं से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लिए इधर से भी। तो ये हमारी पाइप बन गई एक, और एक पाइप हमारी इधर से बन जाएगी। तो डबल टी जंक्शन हो गया आपका। अब हम जो ज़रूरत नहीं होगा उसको बाद में हम इरेज कर देंगे, तो अभी के लिए तो हमारा इतना ज़रूरत है। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर हमको सबसे पहले हम थिकनेस इसकी बना लेते हैं। थिकनेस हमारी 30 mm की है, तो 30 mm हमारा स्केल पर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दोनों साइड से हमको थिकनेस बना लेना चारों पाइप का, ठीक है। इधर से भी हम थिकनेस ले लेंगे इसी लाइन पर, जैसे हम डेया और थिकनेस को ऐड करके लिए थे, तो 0.6 हम ले लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट कर लेंगे, और इधर से भी 0.6 हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इस लाइन पर भी कर लेंगे 0.6, इधर से भी हम पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इनकी थिकनेस बना लेंगे। ये हमारी थिकनेस इधर से बन गई, और ऐसे ही हम इधर से थिकनेस इनकी बना लेंगे। ठीक है, तो पाइप आपकी बन गई है चारों तरफ से। जो अननेसेसरी लाइन, देखिए यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, ये जंक्शन बन रहा है यहाँ पर, जो भी पाइप आपकी आके यहाँ पर मिलती है, तो ये आपका जंक्शन बनता है। तो इस प्रकार से हम पाइप तो बना लिए हैं। अब जो भी अननेसेसरी लाइन है उसको हम मिटा देंगे, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सॉकेट बनाएंगे। तो एक साइड का हम सॉकेट बना के पहले देख लेते हैं, और फिर इसी तरीके से हम तीनों साइड का बना लेंगे। और इधर हम ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे हम उसमें डबल वाई जंक्शन में बनाते थे, यहाँ पर जैसे ढक्कन हम लगा देते हैं पानी का जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है, या फिर उसको खोलने के लिए। तो सबसे पहले हम एक क्रॉस, ये एक सॉकेट बना लेते हैं। सॉकेट हम बनाएंगे 3.5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, इस लाइन पर 3.5 सेंटीमीटर, यहां से, ठीक है, इधर भी हम इस लाइन को और आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ तक हमको बनाना है, पॉइंट कर लेंगे हम 3.5 पर। इधर से भी हम देख लेते हैं, 3.5 ऊपर आपको बनाना है सॉकेट। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिए। इसके ऊपर हम सॉकेट बनाते हैं, तो एक साइड का सॉकेट बना के हम आपको दिखा देते हैं। एक साइड में हम सॉकेट बना के देख लेते हैं, इधर स्पेस थोड़ा कम है, तो हम 3 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं यहाँ से डिस्टेंस जो है, एक साइड का हम बना ले रहे हैं। तो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम यहाँ से आगे ले लेंगे, और इनको हम आपस में मिला देंगे। सॉकेट हम बना रहे हैं, इनको आपस में मिला देंगे। इसके बाद से हमको क्या करना है, जितनी इनकी मोटाई होती है उतना ही हम इसके आगे ले जाते हैं, और फिर इसके ऊपर ले जाते हैं। तो एक पॉइंट हमको मिल जाता है इसका, 6 सेंटीमीटर था मोटाई इसकी, तो
तो 6 सेंटीमीटर हम इसी लाइन पर आगे पॉइंट करेंगे और इसके ऊपर हमको 6 सेंटीमीटर ले लेना है, 0.6 सेंटीमीटर। इसी लाइन पर ऊपर हमको ले लेना है 0.6, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहीं से हम सर्कुलर, थोड़ा सा सर्कुलर बना लेते हैं, इसको कॉर्नर को जो मिलाएंगे थोड़ा सर्कुलर में मिलाएंगे, तो 0.6 आगे हम पॉइंट कर लेते हैं इसी लाइन के, और इसी के ऊपर हम 0.6 पॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसी को थोड़ा सा सर्कुलर फ्री हैंड इसको मिलाएंगे, ऐसे मिला लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम 2 सेंटीमीटर आगे सॉकेट को हम बना लेते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर आगे हम इसको बढ़ा लेंगे यहाँ से। अब इसको आपस में हम मिला देते हैं, इसको हम ये जो जिस लाइन की ज़रूरत नहीं है उसको हम इरेज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये मिला दिए, इस प्रकार से एक तरफ का हमारा सॉकेट बन गया। ये तो लाइन रहेगी, ठीक है, ये वाली लाइन रहेगी। इसको हम डॉटेड मिलाते हैं इधर से, इसको हम डॉटेड बना लेंगे, और जो अंदर वाली लाइन थी ये वाली, इसको हम इरेज कर देंगे, ये बाहर वाली रहेगी। और इनको भी हम आपस में, इनके कॉर्नर को मिला लेंगे, डॉटेड हम मिलाएंगे, इनकी जो मोटाई है उसे दिखाएंगे हम, डॉटेड यहाँ पर दिखा लेंगे। तो इस प्रकार से एक तरफ का सॉकेट हमारा बन गया। ऐसे ही हम इधर भी बनाएंगे सॉकेट, इधर भी बनाएंगे, और इधर हम ग्रुप्स बनाएंगे। तो चलिए हम सॉकेट और ग्रुप्स बना लेते हैं, और इनकी नेमिंग और हैचिंग भी कर लेते हैं, लाइन को डार्क भी कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि एक बार और समझ लेंगे हम लोग कि कैसे हमको बनाना है इस ड्राइंग को। अभी हमारी डबल टी जंक्शन आप पाइप बन के तैयार हो गई है, जिसको हम क्रॉस जंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम एक हमको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है बेस के लिए, उसके बाद से क्रॉस लाइन एक हम ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉस लाइन के दोनों साइड में हम जो भी डाया पाइप है 3 cm और थिकनेस है, दोनों को ऐड करके पॉइंट कर लेंगे इस लाइन पर, और इधर भी पॉइंट कर लेंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन हम खींच कर और इस पाइप को हम बना लेते हैं। पाइप बनाने के बाद हम इस पे तीनों तरफ से सॉकेट लगा देंगे, सॉकेट लगा कर, और इधर से हम ग्रुप्स लगा देते हैं पानी का जो भी फ्लो है उसको रोकने के लिए, ठीक है। या इसको ढक्कन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ढक्कन लगा देते हैं बंद करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी पूरी ये जो पाइप है बनके तैयार हो जाती है। इसमें डया पाइप जो है, सभी पाइप की डया 3 cm है, और सबकी थिकनेस भी आपकी 30 cm है। तो इस प्रकार से ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।